हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है, आज हम सब हिस्ट्री के चैप्टर हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द स्प्रेड ऑफ क्रिकेट। स्टूडेंट्स, जिस समय हॉकी और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को वर्ल्ड में इंटरनेशनल गेम्स के रूप में खेला जा रहा था, उस समय क्रिकेट को सिर्फ एक कॉलोनियल गेम के रूप में देखा गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि क्रिकेट पहले सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में खेला गया जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स का राज था। क्रिकेट को पहले व्हाइट सेटलर्स की ही गेम माना जाता, इसलिए कॉलोनीज के साथ साथ सिर्फ उन्हीं लोगों ने क्रिकेट को अपनाया जो ब्रिटिशर्स को कॉपी करना चाहते थे, जैसा कि इंडिया के केस में हुआ। तो आइए दोस्तों, आज के लेक्चर से जानते हैं कि आखिर क्रिकेट एक पॉपुलर गेम किस तरीके से बन गया। लर्नर्स, ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया और वेस्ट इंडीज के केस में क्रिकेट को एक पॉपुलर गेम के रूप में एनकरेज नहीं किया। जैसा कि आप सब इस मैप में देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड एक रीजन का नाम है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया और वेस्ट इंडीज के केस में क्रिकेट को हमेशा ही सोशल सुपीरियोरिटी और रेशियल स्टेटस के रूप में दिखाया। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने कभी भी एफ्रो कैरिबियन पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट क्लब्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी। एफ्रो कैरिबियन पॉपुलेशन यानी कि वो लोग जो कैरिबियन में रहते हैं या फिर कैरिबियन से आए हैं लेकिन उनकी एंसेस्टर्स अफ्रीकन्स हैं। जानते हैं स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी के एंड में वेस्ट इंडीज में फर्स्ट नॉन व्हाइट क्रिकेट क्लब बनाया गया, लेकिन इस केस में भी लाइट स्किन मुलाटोस को ही पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया। मुलाटोस यानी कि वो लोग फ्रेंड्स जिनके अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो एक पेरेंट व्हाइट और एक पेरेंट ब्लैक होते हैं। 1930s तक व्हाइट एलीट्स ही क्रिकेट क्लब्स को डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जब 1950 में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट सीरीज जीती, तब इस जीत को नेशनल अचीवमेंट के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इस जीत से वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया कि वेस्ट इंडियंस भी व्हाइट इंग्लिशमैन से कम नहीं है। जानते हैं फ्रेंड्स, इस नेशनल अचीवमेंट के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स हैं। चलिए पॉइंट्स के जरिए जानते हैं। पॉइंट नंबर वन, जिस वेस्ट इंडियन टीम ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जीती उस टीम के कैप्टन फ्रेंड्स एक व्हाइट प्लेयर थे। इनफैक्ट 1960 में पहली बार वेस्ट इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन एक ब्लैक बने जिनका नाम था फ्रैंक वॉरेल। पॉइंट नंबर टू, इस वेस्ट इंडियन टीम ने सिर्फ एक नेशन को ही नहीं बल्कि उन सभी एरियाज को रिप्रेजेंट किया जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के ट्रू फैंस हैं तो आप इस बात से अग्री करेंगे कि क्रिकेट गेम को देखने का मजा तभी है जब हम एक टीम के सपोर्ट में हो और एक टीम के अगेंस्ट हो। अगर आज भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है तो टीवी पर देख रहे भोपाल और चेन्नई के लोग इंडियंस के रूप में इंडियन टीम को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंडिया का नाम सुनते ही हम सब में नेशनलिज्म की भावना जाग उठती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1932 से पहले क्रिकेट टीम्स को जियोग्राफिकल प्रिंसिपल्स पर डिवाइड ही नहीं किया गया। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि फिर क्रिकेट फैंस किस तरीके से डिसाइड करते थे कि उन्हें किस क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना है। आखिर कॉलोनियलिज्म के समय इंडिया में क्रिकेट किस तरीके से डेवलप हुआ। इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए बात करेंगे क्रिकेट, रेस और रिलिजन के बारे में। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल इंडिया में क्रिकेट को रेस और रिलिजन के प्रिंसिपल्स पर ऑर्गेनाइज किया गया। 1721 में पहली बार इंग्लिश सेलर्स ने प्लेजर के लिए इंडिया में क्रिकेट खेला। 1792 में इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट क्लब बनाया गया जिसका नाम था कैलकटा क्रिकेट क्लब।
हम कह सकते हैं दोस्तों कि 18th सेंचुरी में इंडिया में क्रिकेट मेनली ब्रिटिश मिलिट्री मैन और सिविल सर्वेंट्स ही खेलते, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियंस में क्रिकेट खेलने का टैलेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सच नहीं था। इंडिया की फर्स्ट कम्युनिटी जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया उसका नाम था पारसी। पारसीज ने मिलकर 1848 में बॉम्बे में फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। शुरुआत में स्टूडेंट्स इन क्लब्स को पारसी बिजनेसमैन ने ही स्पॉन्सर किया, जैसे कि टाटास या फिर वाडियाज, क्योंकि व्हाइट एलीट्स ने इंडियन क्रिकेट क्लब्स को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। जानते हैं उस समय व्हाइट एलीट्स के बनाए हुए क्लब्स जैसे कि बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेटर्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। ये झगड़ा स्टूडेंट्स एक पब्लिक पार्क को लेकर हुआ। पारसीज का कहना था कि ये पब्लिक पार्क क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि इस पार्क का सरफेस बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों ने रौंद दिया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कॉलोनियल अथॉरिटीज व्हाइट एलीट्स के फेवर में है, तब पारसीज ने मिलकर अपना खुद का जिमखाना बनाया ताकि वो आराम से क्रिकेट खेल पाए। फ्रेंड्स, 1885 में दादा भाई नौरोजी जैसे पॉपुलर लीडर्स ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके ठीक चार साल बाद 1889 में पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट मैच में हरा दिया। ये पारसी क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही बड़ी जीत साबित हुई। इसके बाद इंडियंस ने क्रिकेट क्लब्स को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि हिंदू जिमखाना या फिर मुस्लिम जिमखाना। स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया को एक नेशन के रूप में नहीं देखा। उन्होंने हमेशा ही इंडिया को कास्ट, रेस और रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पर डिवाइड किया। इनफैक्ट लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने उन मूवमेंट्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज किया जो रेस और रिलीजियस डिविजन्स को एक्सेप्ट करते। स्टूडेंट्स, आप सभी रणजी ट्रॉफी के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें स्टेट क्रिकेट टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन कॉलोनियलिज्म के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट टीम्स रेस और रिलीजन्स के बेसिस पर पार्टिसिपेट करती थी। शुरुआत में क्रिकेट टूर्नामेंट को स्टूडेंट्स क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, यूरोपियंस, पारसीज, हिंदूज और मुस्लिम्स। बाद में इस टूर्नामेंट में एक 5th टीम भी ऐड कर दी गई जिसे द रेस्ट का नाम दिया गया। इसीलिए इस टूर्नामेंट को बाद में पेंटेंगुलर टूर्नामेंट के नाम से बुलाया गया। फाइनली 1930s और 1940s में महात्मा गांधी जैसे रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स ने पेंटेंगुलर टूर्नामेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें क्रिकेट टीम्स को रेस और रिलीजन्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए, और इसके बाद ही एक नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप को एस्टैब्लिश किया गया जिसे आज हम सब रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द गेम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।